एसिन वन एंड एसिन टू इन एल्काइल हैलाइड में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। एसिन टू इन एल्काइल हैलाइड अपन ने स्टार्ट करा था और अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। एसिन वन की रिएक्टिविटी अपन ने वाले क्वेश्चन कर लिए थे, एसिन टू की रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन कर लिए थे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले कर लिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो एनएसआर मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। यहां पर पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाना है हमें। अब यहां पर देखो कि यहां पर एक बेंजीन जिससे BR कनेक्टेड है, फिर CH2Cl कनेक्टेड है। अब यहां पर KCN का अटैक करवा रहे हो। अब नॉर्मल सी बात है कि जो KCN है वो ब्रेक होगा किस में फॉर्म में, K पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव के फॉर्म में, और ये जो CN नेगेटिव है वो सब्स्टिट्यूट होगा। अब वो किसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट होगा कि लिविंग ग्रुप या तो BR होगा या CL होगा, इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होने वाला है। अब यहां पर देखो कि ये जो BR है ना वो तो रेजोनेंस में जाने वाला है, वो तो रेजोनेंस में जाने वाला है, और रेजोनेंस में जाने वाला है तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, मतलब इसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जो सीएल है वो तो रेजोनेंस में नहीं जा रहा ना भाई, ये जो सीएल है ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा, ये तो आसानी से निकल जाएगा। अगर ये निकलेगा तो इसकी जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट होगा, सीएन नेगेटिव, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, Cl निकला है उसकी जगह पर CN सब्स्टिट्यूट, और ये K पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, KCl फॉर्म कर लेंगे, मेन प्रोडक्ट हमारा ये होने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में यहां पर बेंजीन जिससे आयोडीन कनेक्टेड है और यहां पर CH2Cl कनेक्टेड है। अब यहां पर मुझे NaCN का टेक करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये सॉल्वेंट है, बाइपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, NaCN किस तरह से ब्रेक होगा, यहां पर सोचना है NaCN किस तरह से ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर क्या होने वाला है, ये आयोडीन और ये Cl एज ए लिविंग ग्रुप हैं भाई। ठीक है, अगर ये लिविंग ग्रुप हैं तो यहां पर कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये जो आयोडीन है भाई वो तो रेजोनेंस में, ये तो इस बेंजीन के साथ किस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया। अगर ये रेजोनेंस में चला गया तो जो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड ना होते हुए पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, और उसे तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब लेकिन ये जो सीएल है भाई वो तो आराम से बैठा हुआ है ना, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से निकलेगा तो उसकी जगह पर कौन आने वाला है, सीएन आने वाला है, और प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, Cl की जगह पर क्या आ चुका है, CN आ चुका है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अपन को एक अंदाजा ऐसा लगाना है, देखो DMSO गिवन था, अगर DMSO है मतलब ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, PS है। अगर PS है तो फेवरेबल कंडीशन किसकी होती है, SN2 की। ये SN2 रिएक्शन हुई है, ये SN2 रिएक्शन हुई क्योंकि यहां पर PS गिवन है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगने वाला है आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई, यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी चेक करता है कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज है या नहीं है। अरे नॉलेज है ना भाई, बाबा जी से पढ़ रहा है मतलब नॉलेज तो हो गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर NO2 कनेक्टेड है और इस कार्बन से ये फ्लोरीन और ये CH3 कनेक्टेड है। अब यहां पर उसने डायरेक्ट बनाकर उसने वेज और डैश के फॉर्म में देके रखा हुआ है। वेज और डैश के फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करवाने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखो, ये NaSPH है वो ब्रेक होगा Na पॉजिटिव प्लस SPH नेगेटिव में, और यहां पर DMF गिवन है, डाइमिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, डाइमिथाइल फ्लोराइड ये हमारा क्या है भाई, PS है, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अपन कहां पर पढ़ चुके हैं, GOC1 में। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि GOC1 हमारे GOC2 में बहुत काम आती है यार, इसलिए GOC1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। अगर GOC1 नहीं आती उसे बार बार देखो, क्योंकि GOC1 आएगी तब GOC2 आने वाली।
ठीक है। अब ये पीएस है, अगर पीएस है तो ये हमारा SN2 रिएक्शन होने वाली है, और SN2 रिएक्शन में वाल्डन इन्वर्जन देखा जाता है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही अटैक करेगा तो अब यहां पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनने वाला है कि यहां पर जो SPH है वो वेज पर ना आते हुए डैश पर आने वाला है, और ये CH3 वेज पर आने वाला है, तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बना है। देखो फ्लोरीन यहां पर वेज पर था, लेकिन जो SPH आया है वो डैश पर आया है, वेज पर नहीं आया, डैश पर आया है, और जो CH3 डैश पर था वो वेज पर चला गया, मतलब इन्वर्जन हो गया, एब्सोल्यूट कॉन्फिग्रेशन का इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन होता है, SN2 है भाई ये। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसे मैं स्टार मार्क दूंगा भाई, ठीक है। जब भी आप रिविजन करो इस तरह के क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। नीट में तो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि नीट में तो स्टीरियो केमिस्ट्री चेक करवाते ही है भाई। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इथेनॉल, इथेनॉल के साथ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। हमारे पास चार कंपाउंड है, एक है पैरा क्लोरो बेंजाइल ब्रोमाइड, पैरा मिथाइल बेंजाइल ब्रोमाइड, पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल ब्रोमाइड, एंड फोर्थ पैरा नाइट्रो बेंजाइल ब्रोमाइड। अल्काइल हैलाइड है, मतलब NSR होने वाली है। अगर NSR है, अब ये SN1 है या SN2 है वो हमें डिसाइड करना है। अब यहां पर देखो कि मैं किस तरह से ये डिसाइड कर रहा हूं कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है। रिएक्टिविटी किसके साथ देखना है, इथेनॉल के साथ। इथेनॉल मतलब कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है भाई, न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज है, न्यूट्रल न्यूक्लोफाइल है। अगर न्यूट्रल न्यूक्लोफाइल है तो मतलब वीक बेस है, और वीक बेस की रिक्वायरमेंट कहां पड़ती है, SN1 में। SN1 में पॉइंट लिखवाया है कि जहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है SN1 की, दो बेस की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो वहां पर हमें वीक बेस रिक्वायर्ड होता है। अगर ये वीक बेस है तो वीक बेस तो हमें SN1 में रिक्वायर्ड होता है। अगर SN1 में रिक्वायर्ड है, मतलब SN1 की रिएक्टिविटी चेक करनी, ठीक है। अब यहां पर देखो न्यूक्लोफाइल फिक्स हो चुका है हमारे पास, न्यूक्लोफाइल कौन हो चुका है, यहां से इथेनॉल हमारा एज ए न्यूक्लोफाइल काम करने वाला है, और यहां पर लिविंग ग्रुप फिक्स है। लिविंग ग्रुप कौन है, बीआर हमारा लिविंग ग्रुप होने वाला है। देखो ये बीआर हमारा लिविंग ग्रुप, ये बीआर हमारा लिविंग ग्रुप, ये बीआर हमारा लिविंग ग्रुप, ठीक है, और ये बीआर हमारा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप भी फिक्स है और न्यूक्लोफाइल भी फिक्स है। अब क्या डिपेंड कर रहा है, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुआ, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहां पर SN1 की रिएक्टिविटी चेक करनी है, और SN1 की रिएक्टिविटी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के। देखो इनका मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इन चारों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो कि ये बीआर निकलेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब आ रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। उसकी स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ाएंगे और माइनस वाले कम करेंगे। तो यहां पर देखो ये जो सीएल है वो क्या लगाने वाला है, माइनस आई मिथाइल क्या लगाने वाला है, प्लस आई मिथॉक्सी OCH3 प्लस एम, और NO2 क्या लगाने वाला है, माइनस एम। अगर प्लस की स्टेबिलिटी प्लस वाले बढ़ा रहे हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये सबसे ज्यादा मिथॉक्सी वाला होने वाला है, क्योंकि मिथॉक्सी का प्लस एम। अगर प्लस एम लग रहा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। सबसे ज्यादा आंसर तो ये चला गया, लेकिन अगर कोई ऑर्डर पूछता कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, उसका जवाब भी दे सकते हैं, ठीक है। एक कदम आगे चल रहे हैं अपन। देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव सबसे पहले ये थर्ड नंबर वाला, देन उसके बाद कौन आएगा भाई, ये सेकेंड नंबर वाला, देन ये माइनस आई, ये माइनस एम, तो फर्स्ट और लास्ट में कौन आ जाएगा, फोर्थ, ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन फाइंड कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही सही, थर्ड वाला, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है। अब ये देखो कि ये किस तरह से अपन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ NSR इन द गिवन रिएक्शन। क्या हमें NSR बतानी है कि SN1 है या SN2 है, प्रोडक्ट को देखकर। यहां पर देखो, यहां पर CH3 का होल ट्वाइस CH2 BR है, उसकी मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं, उसकी रिएक्शन में यहां पर CH2 OH
इथेनॉल और यहां पर भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं और प्रोडक्ट बन रहे हैं दो। अब मुझे बताना है कि ये दोनों SN1 है या दोनों SN2 है, या एक SN1 एक SN2 है, या पहली वाली SN2 है दूसरी वाली SN1 है, ये हमें डिसाइड करना है। ये अपन किस तरह से डिसाइड करते हैं, देखो भाई। अब यहां पर देखो कि यहां पर ये BR निकल रहा है और इसकी जगह पर OC2H5 सब्स्टिट्यूट हो रहा है, लेकिन यहां पर एक बात सोचो कि यहां पर रीअरेंजमेंट का चांस था। अगर ये पॉजिटिव यहां पर आता तो H नेगेटिव का मैं शिफ्ट कर इस पॉजिटिव को यहां पर ले आता, जिससे मेरा ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता, लेकिन उसने रीअरेंजमेंट नहीं करा है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है मतलब ये SN2 रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वहां तो सिर्फ इंटरमीडिएट बनता है। मतलब ये जो रिएक्शन हुई है कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, यहां पर नो रीअरेंजमेंट। अगर नो रीअरेंजमेंट है तो ये रिएक्शन क्या होने वाली है, SN2। और यहां पर देखो कि यहां पर जैसे ये पॉजिटिव आएगा, इसे शिफ्ट कर ये पॉजिटिव को यहां और H को यहां, और यहां पर इसने प्रोडक्ट बनाया, मतलब रीअरेंजमेंट करा है। अगर रीअरेंजमेंट करा है तो ये रिएक्शन क्या होने वाली है, SN1। तो पहली वाली SN2 है और दूसरी वाली SN1 है, ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आने वाला है। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। हमें देखना है, हमने जो SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। तो जिसने भी अभी तक SN1 SN2 मैकेनिज्म नहीं देखा, वो सबसे पहले जाके SN1 SN2 मैकेनिज्म को देखे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यार, पूरी NSR में काम आएगा वो, ठीक है। हर एक पॉइंट भाई आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा पॉइंट काम आ जाए आपको भी पता नहीं है। तो जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कुछ और रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आती है भाई, और रिएक्शन है आयन एक्सचेंज मेथड। यहां पर हम आयन का एक्सचेंज करेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन है RCL या RBR की NaI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और हमारा RI फॉर्म हुआ है प्लस NaCl या NaBr। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखें तो एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो Cl नेगेटिव था वो I नेगेटिव से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। ये रिएक्शन आपने बताया कहां देखी होगी, कहां देखी होगी, जब आपने NCERT पढ़ी होगी, हेलो अल्केन्स हेलो एरीन की, तो सबसे बाद में ये रिएक्शन देखने को मिली थी, ठीक है, मिली थी ना। तो यहां पर आप देखते हैं कि ये रिएक्शन अपन ने बोला था कि SN1 है SN2 है, क्या क्या होता है बाबा जी, इसमें सब कुछ बता दो। तो अपन इस पूरी रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो ये जो रिएक्शन है उसे फेल्केनस्टीन रिएक्शन कहते हैं, नेम रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, कि बाबा जी ये SN2 मैकेनिज्म को किस तरह से फॉलो कर रही है, तो आओ भाई यहां पर ड्राई एसीटोन यूज हुआ है, और ड्राई एसीटोन क्या होता है, PS होता है, और PS है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। अब यहां पर बात करते हैं कि ये बेस्ट मेथड होती है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, कि बेस्ट क्यों होती है बाबा जी, यहां पर समझना, यहां पर हमारा क्या फॉर्म हुआ है, NaCl या NaBr फॉर्म हुआ है, और NaCl और NaBr हमारा क्या होता है, आयनिक होता है, और आयनिक है तो जैसे ये ड्राई एसीटोन में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसमें तो घुलेगा नहीं भाई, ये घुलेगा नहीं, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और अपन क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को हटा लेंगे, और जैसे ही प्रेसिपिटेट को हटाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो RI हमारा ज्यादा फॉर्म हो जाएगा। याद आया भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्लास 11 केमिकल इक्विलिब्रियम, याद आया थोड़ा बहुत, ठीक है, याद नहीं आया कोई बात नहीं, बाबा जी पढ़ाएंगे भाई आगे जाके इसे, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी सारी बातें करनी है, फेल्केनस्टीन रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म, बेस्ट मेथड है अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए, ये ध्यान रखना है। अब दूसरी जो आयन एक्सचेंज मेथड है वो है RCL और RBR की रिएक्शन, किसके साथ हो सकती है, AGF के साथ हो सकती है,
COF2 के साथ हो सकती है, HGF2 के साथ हो सकती है, या SB2F3 के साथ हो सकती है। ये ध्यान रखें, ये आपको सारे रिएजेंट NCERT में मिलने वाले हैं, ठीक है। और वाटर के प्रेजेंस में कराई जाती है। वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। आप सही सोच रहे हो कि अगर ये वाटर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो ये SN1 रिएक्शन को फॉलो करेगा। बाबा जी बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। और यहाँ पर जो F है वो Cl से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, या Br है वो F से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। आपका RF फॉर्म होता है प्लस आपका AgBr या AgCl फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी SWOT रिएक्शन कहा जाता है। इस रिएक्शन को SWOT रिएक्शन कहा जाता है। इसे फिल्केनस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन में दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है क्योंकि वाटर आ रहा है, और वाटर तो भाई हमारा PPS है, और PPS है तो SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा। और ये बेस्ट मेथड होती है अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। कि बाबा जी बेस्ट क्यों होती है, यहां पर समझना, हमारा क्या फॉर्म हुआ है, AgCl और AgBr प्रोडक्ट की साइड फॉर्म हुआ है। और जैसे ही ये वाटर में आएगा, वाटर में जाके ये क्या बनेगा भाई, प्रेसिपिटेट बनाएगा। और जैसे ही ये प्रेसिपिटेट बनेगा, मैं क्या करूंगा, इस प्रेसिपिटेट को हटा दूंगा। और जैसे ही प्रेसिपिटेट को हटाऊंगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम, अकॉर्डिंग टू लीच एटडीए प्रिंसिपल, जैसे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपका जो RF है अल्काइल फ्लोराइड वो ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड होती है किसे बनाने के लिए भाई, अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए। SWOT रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं, और फिल्केनस्टीन रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है। ये बात हुई आयन एक्सचेंज मेथड की। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। और आज हमने SN1 एंड SN2 इन अल्काइल हैलाइड सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे NSR में SN1 SN2 अल्काइल हैलाइड में वो कर लिए। और यहाँ पर अपन ने कुछ रिएक्शन भी पढ़ लिए हैं। ये दोनों जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं यार, नेम रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अपन एक और पढ़ेंगे। अपन ने बोला था कि NSR तीन टाइप का, SN1 SN2 और ARSN एरोमेटिक NSR। SN1 SN2 अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन एरोमेटिक NSR डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।